प्रोजेक्ट ऑफ भारतीय जनसेवा मिशन। नमस्ते, किसान डिजिटल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। साइक्लोन के वजह से यहाँ पर बहुत डैमेज हुआ है और हमारा फार्म से लेके यूनिट डैमेज हुआ है और हमारा ऑफिस भी इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ नहीं था, इसीलिए अपडेट नहीं हो पाया, हम लोग अपने नहीं दे पाए आप लोगों को। तो आज से शुरुआत कर दिया है और कोशिश करेंगे आगे इसको जारी रखने का। तो आज भाग टू है और बहुत सारे कमेंट आ गया है, जितना हो सके हम आज आपको कोशिश करेंगे आंसर देने के, नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड लग जाएगा। और ये कंटिन्यू बेसिस, एक्चुअली वीकली बेस प्रोग्राम है तो हमको ये कंटिन्यू करना ही है। पहले सोनू आलम शायद बिहार से। अच्छा, आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो उसके लिए आपका नाम और कहाँ से बोल रहे हो, मतलब स्टेट का नाम, आपका फुल नेम और स्टेट का नाम, बस यही लिख दीजिएगा, सुविधा होगी। होगा सोनू आलम बिहार से ही होगा। सर, बिहार में तलापिया फिश फार्मिंग बायोफ्लॉक में कर सकते हैं? बायोफ्लॉक में हाँ जरूर, बायोफ्लॉक में हो रहा है, हमारा यूनिट से भी बायोफ्लॉक में सीट जा रहा है मोनोसेक्स तलापिया, तो आप कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। राजीव विश्वास, 1 एकड़ पौंड में रोहू कतला मृगल ब्रिगेट एक साथ 10,000 डाल सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा राजीव जी। हाँ, हमारा स्टॉकिंग के बारे में एक अलग सा वीडियो है, आप देख लीजिए, आपको सुविधा होगी शायद। सचिन भटिया, सर बायोफ्लॉक का मागूर फिश कर सकते हैं क्या? मागूर मतलब कौन सी मागूर का बात कर रहे हैं? एक्चुअली अफ्रीकन कैटफिश इंडिया में पूरी तरीके से बैंड है। हाँ, देसी मागूर मतलब बहुत दो तीन मैं पहचान तो ऐसे कुछ आदमी ने ट्राई कर रहा है बायोफ्लॉक में, हो रहा है सक्सेस, ठीक है, आप कर सकते हो। विश्वनाथन राउत, सर 6,000 स्क्वायर फीट पॉन्ड साइज, कैन आई कल्चर रूपचादा फिश? इफ इज रूपचादा फिश यू कैन कल्चर, बट द क्वांटिटी इज वेरी लो, विट बी वेरी लो, सो आपको बहुत कम ही क्वांटिटी डालना पड़ेगा। डिपेंड कर रहे हैं आप कितना बॉडी वेट करेंगे, ठीक है ना, मतलब कितना बॉडी वेट में आप हार्वेस्टिंग कंप्लीट करेंगे, सब कुछ डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, सचिन भटिया, आरएस सिस्टम में कौन सी फिश कर सकते हैं? सर देखिए, आरएस में कोई भी फिश होता है, पेंगेसियस से लेके सब फिश होता है, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है, सिंगी वगैरह भी कर सकते हो, पापदा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिनेश मंडल, पापदा एवं कालचा कातला एकसाथे चाष करा जाए? हाँ अवश्यई एकसाथे चाष करा जाए, किंतु पापदार जन्य आपनार पुकुर कतटा एवं कि हिसाबे आपनी चाषटा करते चाइछेन, आपनार प्राइम अबजेक्ट माने प्राइम टार्गेट कोनटा, कातला ना पापदा, एटा आपनाके देखते हबे। कारण पापदार खाबार हैबिटटा किंतु साधारणत सन्धे एवं राते, एवं सेई फिडिंग व्यवस्थाटाके आपनाके मेनटेन करते हबे। আপনি চেষ্টা করবেন, আমি জানি না আপনার পনটা কত বড়, আপনি চেষ্টা করুন যে যে কোনো একটা মনোকালচার করা, ঠিক আছে, সেটাই আমার মনে হয় আপনার পক্ষে সুবিধাজনক হবে। রণধীর কুমার, স্যার আই এম ফ্রম ইউপি, 32-35 ফিট কা ফর্মুলা ক্যা হোগা, এ ফর্মুলা কা ভিডিও বানাইয়ে, মতলব আপ শায়দ জাননা চাহতে হ্যায় রণধীর জি, যে 32-35 फीट का मतलब प्रोटीन का फीट, वो तो फॉर्मूला हम बता दिया है, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके मेरे को भेजिए, अगर कोई प्रॉब्लम देखा तो मैं आपको करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। रमीज काल, दादा मेरी आईएमसी फिश को रेड निशान हो गया है, प्लीज गाइड करें। अच्छा, ये रेड निशान कोई भी फिश डिजीज के बारे में अगर आप बताएंगे तो विस्तार से वो मेरे को भेजना पड़ेगा मेरा व्हाट्सएप नंबर में, हम तभी डिजीज के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ सुन के मछली डिजीज का कंट्रोल करना बहुत कठिन बात है, आपको फोटो के साथ भेजना पड़ेगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है, ठीक है। रणधीर कुमार, ब्लड मिल, हाँ ब्लड मिल दे सकता है, लेकिन ब्लड मिल के में अमीनो एसिड कम है, ये ब्लड मिल आप कम ही दीजिए, ठीक है ना, ब्लड मिल, ठीक है, 7-8% मैक्सिमम 10% ब्लड मिल आप लगा सकते। प्रभात नारायण, 1 एकड़ पॉन्ड में आईएमसी कर सकते हैं क्या? तालाब में पानी जल्दी सूखता है, पानी ज़्यादा समय तक रोकने के लिए क्या उपाय है? प्रभात जी, 1 एकड़ पॉन्ड आईएमसी के लिए बहुत छोटा है, इसमें कैटफिश मेरा ख्याल से ज़्यादा अच्छा हो सकता है,
फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्वांटिटी बहुत कम डालना पड़ेगा, पार्शियल हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा आपको एमसी में। और पानी जल्दी सूखता है, आपका मिट्टी का प्रॉब्लम है इसमें, आप वैसे कोई उपाय नहीं है, आप लाइनर वगैरह बिछा के जो अभी बहुत सारे जगह में जहाँ पर मिट्टी का प्रॉब्लम है वहाँ पर कर रहे हैं, वो इसी मेथड लगा सकते हो। बिशु मुंडा सर, हाई आई एम फ्रॉम ओडिशा। दादा क्या एवरी मंथ लाइम देना जरूरी है? अगर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, पीएच कंट्रोल रहेगा। बहुत सारे मछली का ऊपर जो प्रॉब्लम आता है डिजीज से लेके, तो वो प्रॉब्लम ठीक रहेगा, पानी ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। आप करिए लाइविंग, जरूर करिए। हीरा प्रसाद गुप्ता, पॉन्ड में रेगुलर जू प्लांक्टन मिला क्या करना होगा? जू प्लांक्टन कैसे मिला, ऐसे कुछ होगा आपका शायद हीरा प्रसाद जी। जू प्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन, प्लांक्टन बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर थ्रू आउट कल्चर प्योर रेगुलर बेसिस जैसे हमने बताया था वैसे ही आपको देना है, ठीक है, तभी वो सस्टेन करेंगे। प्रकाश भारद्वाज सर, हमारे इधर टीएसपी नहीं मिलता, उसके जगह डीएपी। हाँ जी, डीओपी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फॉस्फोरस के परसेंटेज है वो सेम है, अब यूज करता है सेम मात्रा में यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चित्तरंजन पाधे, थैंक्स फॉर ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। रोहू कतला डाकविट खाते हैं क्या, प्लीज बताइए। खाता है लेकिन कम मात्रा में खाता है, 100 ग्राम के ऊपर जब वेट हो जाता है आप दे सकते हो, जरूर खाता है। मोनोतोष मिश्रा, आमी मोनोतोष, नमस्कार सर। एक बीघा पुकुरे आईएमसी कतटा टीडीएस नंबर থাকার দরকার? সাধারণত আমরা পন্ড কালচারের ক্ষেত্রে 400 থেকে 500 এর মধ্যে টিডিএস থাকলে ফ্রেশ ওয়াটার কালটিভেশনে সবথেকে ভালো ফার্মিং হয়ে থাকে, এটা আমরা দেখেছি। তো আপনি এটার মধ্যে রাখার চেষ্টা করুন পন্ড কালচারের ক্ষেত্রে। কুন্দন কুমার, ধান কে ক্ষেত মে কিতনা পানি রহনা মছলি কে লিয়ে रहना है मछली के लिए। कुंदन जी, आप कौन सी मछली का बात कर रहे हो, कौन सी मछली आप पालना चाहते हो, खेती में कैसे आप मछली पालन करें, इसके हमारा दोनों पार्ट का वीडियो है, देख लीजिए। और आप कौन सी स्पेसिफिक मछली का पालन करना चाहते हो उसके ऊपर वो हमको बताइए, कोशिश करेंगे उसके ऊपर आपको एक हम मतलब इंफॉर्मेशन देने का, ठीक है, विस्तार से बताइए। कबीर दास, 200x20 स्क्वायर फीट पॉन्ड कौन सी मछली फार्मिंग सही है? मतलब लगभग 4000 स्क्वायर फीट, 6 कट्ठे के आसपास होगा शायद, तो 4000 स्क्वायर फीट मतलब 200x20 स्क्वायर फीट, इसमें तो कैटफिश ही ठीक रहेगा, आईएमसी तो इसमें एकदम फेलियर होगा शायद। रजीन सर, बायोफ्लॉक के बारे में कुछ बताइए। बायोफ्लॉक हमने किया है थोड़ा, मतलब अभी ट्रायल बेसिस है, अगर हम सक्सेस होंगे तो हम जरूर बताएंगे, अभी तक हम लोग सक्सेस नहीं है, हम लोग कर रहे हैं, मतलब ये ज्ञान बांटने का, ये इंफॉर्मेशन शेयर करने का जगह में अब नहीं है बायोप्रॉक में, जब भी होंगे जरूर बताएंगे। रोहित कुमार सर, 1 kg साइज के लिए आमूर कॉमन का, ये आईएमसी का स्टॉकिंग हमने बता दिया सर, आप एक बार देख लीजिए रोहित जी, ठीक है। ये कुछ आज का ये है, और भी कुछ है, अभय शर्मा, 1 acre में कितना डाले ये बताइए, आईएमसी का शायद बात कर रहे हैं आप, आईएमसी आप कितना डालेंगे, आईएमसी का ऊपर हमारा वीडियो है आप देख लीजिए, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा सर। ये तो अच्छा क्लियर से लिखिए ना, आपको समझने में सुविधा होगी। अच्छा अभिराम सर, 1 बीघा के में कितना पंगेसियस 100 से 200 ग्राम तक कितना बच्चा डालना चाहिए? हम लोग पंगासियस के लिए इन जनरल आपको अगर आप 20,000 के आसपास डाल सकते हो, ठीक है, एकर में आप जो साइज बता रहे हो, प्लीज टेल मी इन एकर, एकर मतलब 100 decimal, हम इसलिए डेसीमेल का बात करते हैं, ठीक है, आपको एकर का जानना है।
फोन नंबर के बारे में बहुत सारे लोग पूछे, फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। वीजी बोर्ड्स पार डेसिमल का क्या मीन्स है सर? पार डेसिमल मतलब 435 स्क्वायर समथिंग स्क्वायर फुट, 435 स्क्वायर फुट, 435 स्क्वायर फीट, ये तो बहुत जगह हमने बता चुका है। अच्छा और सर परितोष कोनाई, सर जेगरी एंड फिश को मिक्स करके फर्टिलाइजर बना सकते हैं फॉर लैंड? लैंड कल्चर तो हमने किया, लेकिन फर्टिलाइजर के लिए, लैंड का फर्टिलाइजर के लिए जो मतलब जब भी मछली का सीजन कंप्लीट हो जाता है, हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, नीच का जो माट रहता है ना वो बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, वो एकदम मिट्टी का जो गुणवत्ता बढ़ा देता है, आप दे सकते हो, ठीक है उसके लिए। आईएमसी के लिए फिर से परितोष ने हम लिखा है, और आईएमसी स्टॉकिंग के लिए सर जी वीडियो मेरा है, आप देख लीजिएगा। अच्छा ये सब इंक्वायरी है। आज ये सभी इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोवाइडिंग। अच्छा सुजीत दास, सर एट व्हाट इंटरवल एंड व्हाट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वी कैन कीप प्रोवाइडिंग टू फिश पॉन्ड फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर? मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप कितना दे सकते हो, मतलब कितना देना चाहते हो, इसके ऊपर वीडियो है सुजीत जी, आप देख लीजिए, ठीक है, थ्रू आउट कल्चर पीरियड उसके ऊपर वीडियो है ऑलरेडी। परितोष कोनाई, चीतल फिश बायोफ्लॉक में कर सकते हैं, कितना टाइम में होगा और साइज क्या है? चीतल जिंदा मछली खाता है, ठीक है, स्ट्रास फिश जो हम बोलते हैं वो खाता है, तो ये अगर बायोफ्लॉक में अगर आप दे पाएंगे तो बिल्कुल सक्सेस है, लेकिन आप देख लीजिए, आपको स्टॉकिंग भी बहुत कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसको देख लीजिए। और फिशमील इन जनरल, कुमार जी लिखा है फिशमील काम इन जनरल पशु खाद्यों का दुकान में मिल जाता है, एनिमल जो फीड बेचते हैं वहाँ पर मिल जाता है। आदित्य प्रकाश, थैंक यू फॉर वैल्युएबल इन्फॉर्मेशन सर, क्या चीतल फार्मिंग बायोफ्लॉक में सेम हम बताया है आदित्य जी, यही बात का हमने आंसर भी दिया पहले ये क्वेश्चन में, उसको देखिए नहीं। अच्छा प्लीज अनिल कुमार, सर मेक वीडियो फॉर सिंगी होममेड फिट, सिंगी होममेड फिट के लिए वीडियो है, देसी मागुर सिंगली के वीडियो है अनिल जी, वो आप देख लीजिए। राजा एमसी, सर रोहू 80 पीसेस देने से चलेगा? सिल्वर कप 1 पीस, कतला 4 पीस, मिगल 4 पीस, कॉमन कप और अमूर कॉमन कप मिला के 4 पीस देने से चल रहा हूँ, चाहता हूँ। ये कितना आपका पौंड का साइज क्या है ये बताइए, ये पौंड का साइज के हिसाब से हम बता देंगे आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हो स्पेसिफिक मेंशन करिए, मेंशन करने के बाद हमको बताइए। डिजीज के बारे में हम जैसे बताया आपको, फोटो वीडियो क्लिपिंग्स देके मेरे को बताइएगा, मतलब इतना जल्दी हम आंसर नहीं दे पाएंगे कि हम लोगों को भी उतना काम रहता है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको आंसर। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चनरीज भेजते जाइए, धन्यवाद।